आज मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में आज मैं ये बताऊंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना डाइट प्लान चेंज करके आप काफी अच्छा वेट लॉस कर सकते हो। काफी अच्छा मतलब काफी अच्छा, बहुत वेट लॉस होता है इस डाइट को फॉलो करते हो। और अगर इस डाइट को कंटिन्यू फॉलो करोगे तो आपका कभी भी जिंदगी में कोई भी बीमारी नहीं आएगा, और किसी का अगर बीमारी है तो धीरे 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 उससे परमानेंट खत्म हो जाएगा, उससे बाहर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या ये डाइट है। सबसे पहले आप तो देख पा रहे हो यहाँ पे मैं एक प्लेट फ्रूट लेके बैठी हूँ। मैं अपना दिन शुरू करती हूँ एक ग्लास जूस लेके। जूस कोई भी हो सकता है, आपको वेजिटेबल जूस लेना है। सुबह सुबह जब आप पहला कुछ खाओगे सिर्फ और सिर्फ वो वेजिटेबल जूस ही लेना है आपको। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आप लौकी का जूस, जैसे आज मैंने बनाना स्टेम जो आता है वो बनाना स्टेम और आंवला का जूस ले लिया, आप ये भी ले सकते हो। और पेठा जो आता है, मैंने जूस का 3 वीडियो दिया है, मैं उसके लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो। कैरेट का जूस ले सकते हो, टमाटर का जूस ले सकते हो, खीरा का जूस ले सकते हो आप, कद्दू का जूस ले सकते हो, पेठे का जूस ले सकते हो, बहुत सारा कुछ भी वेजिटेबल, कच्चा वेजिटेबल, पालक का जूस बहुत हेल्दी होता है। सुबह सुबह उठ के और कुछ भी नहीं मिले आप तो नारियल पानी पी लो, नारियल पानी बहुत अच्छा हेल्थ के लिए। तो सुबह का ये एकदम ठान लीजिए, सुबह खाली पेट जब कुछ भी डालेंगे मुँह के अंदर तो वो फर्स्ट चीज होगा आपका जूस। कोई भी जूस हो सकता है बट वेजिटेबल होना चाहिए, फ्रूट जूस नहीं। ओके, नंबर 1। नंबर 2 जो प्लेट मेरे सामने है वो प्लेट में लेके बैठी हूँ। नंबर 2 प्लेट मतलब उसके बाद सुबह का 8 बजे, जो जिस टाइम ब्रेकफास्ट मतलब शुरू करते हो भूख लगे तो 8 बजे कर लीजिए। मेरा 8 बजे का टाइम नहीं होता है, मैं एक योगा टीचर हूँ तो सुबह सुबह उठ के मेरा क्लास रहता है, मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ जब क्लास नहीं रहता है, तो उतना सुबह मैं नहीं ले पाती कुछ भी। तो मेरा सुबह का जब शुरू होता है 10:30 बज जाता है तभी मैं जूस ले पाती हूँ। फिर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा अगर कुछ नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा है। कम से कम आपको 1 घंटा कुछ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं। तो उसका जो काम है, उस जूस का काम होता है बॉडी का जो टॉक्सिन है वो सब निकलते हैं, आपके अंदर शरीर के अंदर अगर कोई डिजीज है उसको फिर से उसको धीरे 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 काम करने लगता है। तो वो काम करने के लिए टाइम उनको छोड़ना पड़ेगा। तो 1 घंटा कुछ नहीं लगे मिनिमम, मैं बता रही हूँ मिनिमम, तो इससे कम कर ही नहीं सकते। जितना ज्यादा मतलब 2 घंटा 3 घंटा नहीं लेंगे तो मतलब सुबह 7-8 बजे ले लिया तो 10 बजे तक कुछ मत लीजिए। मेरा तो ऐसा नहीं होता, मैं 10:30 से पहले नहीं ले पाती हूँ। तो लेने के बाद 1 घंटा कुछ नहीं लेना है। उसके बाद अगर जो खाएंगे आप फ्रूट्स, जितना भी खाए उतना फ्रूट्स लेना है आपको। जैसे मैं देखिए 1 प्लेट, ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट है। अभी टाइम हो रहा है, अभी 12 बजने जा रहा है दोपहर का, तो अभी मैं फ्रूट्स ले लूंगी पूरा 1 प्लेट। सुबह मैं जितना बजे खाती हूँ, 12 बजे खाती हूँ, 11 बजे खाती हूँ फ्रूट्स के बाद, तो मेरा फर्स्ट खाना फ्रूट्स ही रहता है। ये मैं लास्ट 5-6 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मुझे इसका फायदा मिला है। तभी मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो बना के दूँ कि इसका सही में फायदा होता है। अभी मैं कुछ दिनों से डॉक्टर विश्वरूप जयचौधरी का ये वीडियो देख रही हूँ, जो उन्होंने भी ये बताया डी आई पी डाइट क्या है। सेम यही है, खाना खा खा के और जो मतलब कच्चा सब्जी सैलाड आपका फ्रूट्स खा खा के कैसे इंसान डिजीज से मुक्ति मिल सकते हैं इंसानों को। तो मैंने देखा कि सही में मेरा मैं का बहुत पहले से ही फ्रूट्स में खाती हूँ, जूस पहले मैं नहीं लेती थी, जूस अभी मैं 3-4 साल से ले रही हूँ कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे। लेकिन फ्रूट्स मेरा बहुत पुराना आदत है, सुबह का ब्रेकफास्ट में कभी भी पूरी सब्जी कचौड़ी फिर समोसा पराठा आलू पराठा फिर उपमा इडली डोसा बहुत कुछ सब बनते हैं, मैं कभी नहीं लेती हूँ ये सब चीज़। सुबह का फर्स्ट खाना में हमेशा ब्रेकफास्ट में ये लेती हूँ फ्रूट्स। और अगर तभी मेरा खाने का चेंज होता है जैसे कहीं शादी में जाना हो, वो भी अपने शादी में, घर का शादी, बाहर का शादी में तो सिर्फ डिनर में जाते हैं, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अगर मेरा घर में कोई शादी है तब भी मैं ब्रेकफास्ट में यही खाती हूँ
शादी में जाके नहीं खाती हूँ, ब्रेकफास्ट खाने के बाद में वहां पे पहुंचती हूँ, फिर दोपहर के खाने में मोड़ा चेंजेस हो जाते हैं। शादी तो सालों में 10 सालों में घर का शादी एक बार आता है, तो बस यही टाइम शादी या कोई भी इन्विटेशन, मतलब घर में कोई भी प्रोग्राम होता है तब ये चेंजेस होता है। बाकी मेरा जो डाइट का प्लान है कभी मेरा चेंज नहीं होता है। और मैं ये आप लोगों को क्यों शेयर कर रही हूँ, मेरा वेट लॉस बहुत तेजी से हुआ है, बहुत तेजी से। मैं जब से पूरा एकदम फॉलो कर रही हूँ, जैसे मैं बोला ब्रेकफास्ट में, फिर लंच का भी मैं दिखाऊंगी और डिनर का भी मैं दिखाऊंगी एक के बाद। तो सुबह का यही है, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ले लीजिए। आप लोग बोलेंगे ये तो कॉस्टली खाना हो गया, कॉस्टली खाना ये नहीं है। मैं देखिए मेरे प्लेट में ये क्या है, बनाना है, ये है गुआवा है मतलब अमरूद, और ये एप्पल है, आप एप्पल को छोड़ भी सकते हो, और यहाँ पे मौसम्बी है, मौसम्बी अभी सीजनल फ्रूट्स है, बहुत सस्ता मिलता है, और यहाँ पे आपको क्या, ये पोमग्रेनेट है। तो पोमोग्रेनेट, ये जो फ्रूट्स है, जो सीजनल का फ्रूट्स है, आप देखिएगा बहुत सस्ता है। तो सीजनल फ्रूट्स ले लीजिए, आप एक केले की जगह 2 केला खाइए, आपका वेट काफी कम है तो 4, 5, 6 केला खा लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो क्या होता है, मैं क्या करती हूँ, कुछ भी फ्रूट्स खा लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे जब आप DIP डाइट में आएंगे, अगर कोई डिजीज आपको ठीक करना है तो इसमें कम से कम 4 तरीके से फ्रूट्स रखना है। और वो कैसे खाना है, अगर आप नॉर्मल नेचुरल खा रहे हैं तो कोई भी फ्रूट्स अमाउंट पे खा सकते हो, जितना ज्यादा खाएंगे नो प्रॉब्लम। लेकिन DIP डाइट अगर मानेंगे, अगर कोई डिजीज आपको क्योर करना है तो आपको क्या, 4 टाइप का फ्रूट्स लेना है। उस 4 टाइप के फ्रूट्स में आपका जो बॉडी वेट है, सोच लीजिए आपका बॉडी वेट है 60 किलोस, ओके, उसको मल्टीप्लाई करिए 10 से, तो कितना आता है 600। तो उसको 600 ग्राम्स, उनको 600 ग्राम्स फ्रूट्स लेना ही है। आप उससे कहीं ज़्यादा ले सकते हैं, आप 1 किलो तक भी ले सकते हैं, पर 600 ग्राम से कम लेने से नहीं चलेगा अगर आपको डिजीज क्योर करना है। क्योंकि ये जो मेजरमेंट है, ये आपको बीमारी का दवाई के काम करेगा, और अगर नॉर्मल कुछ भी खाएंगे फ्रूट्स तो वो आपको बीमारी नहीं, हेल्दी खाने का काम करेगा, ये चीज ध्यान में रखिए। तो ये ब्रेकफास्ट ये हो गया, अभी हम मिलेंगे लंच पे, फिर बाकी बात लंच में होगा। तो अभी मेरा लंच टाइम है, आप देख रहे हैं कि मेरे पास 2 प्लेट है। सबको एक ऐसे ही रखना है कि एक प्लेट में आप भरपूर सलाद खाइए, कम से कम 3 से 4 टाइप का। देखिए इसमें मैंने खीरा रखा है, टमाटर रखा है, गाजर है, कोकोनट में थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे लेती हूँ। कोकोनट में हेल्दी कोलेस्ट्रॉल रहता है, आपके हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, और आपका जो रेगुलर बेसिस पे जो बाहर से आप तेल लेते हो वो अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो इसके माध्यम से आपका जो जरूरी जो तेल की शरीर में जरूरत होता है, वो फैट एंड तेल इसके माध्यम से आपका शरीर में चले जाता है। और ये है पालक। पालक कैसे बनाया, जैसे कच्चा ये जो रॉ सैलड है, इसमें पत्ता भी रखना पड़ता है, इसमें आप धनिया पत्ता भी काट के दे सकते हो, पालक का भी रॉ अगर खा सकते तो बहुत अच्छा है, बट एकदम रॉ मुझे भी पसंद नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा सिर्फ हल्का सा सॉटे कर लेती हूँ 2 मिनट के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसे मैं सॉटे करती हूँ। तो पालक के लिए आप इसको सिर्फ हल्का सॉटे कर लीजिए, गैस ऑन कर दीजिए, कढ़ाई पूरा खाली है, पालक को पत्ते लीजिए, इसमें नमक नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसको इसमें डाल दीजिए, पानी भी नहीं डालना है क्योंकि पालक में अपने आप से बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो इसको रख दीजिए, इसको कुछ देर के लिए एकदम गैस को आप कम कर दीजिए, कम करके थोड़ा इसको ढक दीजिए, जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मिनट को ढकने की ज़रूरत है। अब 2 मिनट हो गया है, देखिए मैं इसको खोलती हूँ, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया, बस इतना ही करना है क्योंकि कच्चा खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस 2 मिनट आप कढ़ाई में दे दीजिए, ढक दीजिए, पानी देने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, भाई ये बन गया है। अभी क्या है, गैस को बंद कर दीजिए, गैस को बंद करके थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर प्लेट में उठा लीजिए। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया, अब इसको प्लेट में उठा लीजिए, बस इतना सही करना है। इसमें
पालक में अपने आप से नमक होता है, इसका देखिएगा आप खाके उतना बुरा नहीं लगेगा। आप इसमें मसाला ये सब मत मिलाइए, ठीक है। ये आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रेडी है। तो आप लोगों ने देख लिया, इसको पकाइए मत, बहुत आसान है, जस्ट 2 मिनट के लिए सॉटे कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। ये प्लेट खत्म करने के बाद अगर पेट में मेरा ज्यादा होता है तो दूसरा प्लेट में जाती हूँ। लेकिन एक चीज मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग ये खाना शुरू करेंगे, पहले 3-4 दिन आप लोगों को काफी वीक लगना शुरू होगा, लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा खाना खा के कौन जी सकता है। लेकिन 3-4 दिन बाद आप देखेंगे इतना ज्यादा आपको भूख लग रहा है, मतलब मैं पहले जो खाती थी उससे कहीं गुना ज्यादा, पूरा दिन खाते ही रही तो लगता है कि खाना ही नहीं खाया है, इतना भूख तेज हो जाता है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि उल्टा सीधा खाए तो आपका ये जो डाइट है कोई काम पे नहीं आएगा, ठीक है। ये था मेरा डाइट। और DIP डाइट में क्या बोला जाता है, उसमें भी सेम, पहले एक प्लेट लेना पड़ता है, फिर दूसरा प्लेट में जाना पड़ता है ये प्लेट खत्म करने के बाद। लेकिन ये जो रॉ वेजिटेबल्स है, इस प्लेट में आपका एक मेजरमेंट है, उसे कम खाने से आपका डिजीज ठीक नहीं होगा। मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, अगर आपका वेट है 60 किलो तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या निकलेगा, 300, मतलब आपको 300 ग्राम्स रॉ वेजिटेबल्स खाना ही खाना है। आप उससे जितना ज्यादा चाहो खा सकते हो और उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, बट उससे कम आप नहीं ले सकते हो। तो ये आपका हेल्दी खाना तो होगा, लेकिन ये आपका दवाई का काम नहीं करेगा, आपका शरीर में जो डिजीज है उसको क्योर नहीं कर पाएगा। और ये खाना खत्म करने के बाद आप नेक्स्ट प्लेट में जा सकते हो। नेक्स्ट प्लेट में जो खाना आप खाएंगे उसमें नमक बहुत कम होना चाहिए, तेल बहुत कम होना चाहिए, अगर आप चाहो तो बिना तेल के खा सकते हो। मेरा इस प्लेट में जो खाना आज मैंने बनाया इसमें एक बूंद भी तेल नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो मैं इसका रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, तो मेरे कमेंट्स में आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि मुझे रेसिपी चाहिए। तो इसमें 0 ऑयल में मैंने खाना बनाया, और ये खाना आप खाएंगे तो हर रोज यही खाना बनाएंगे, इतना टेस्टी होता है ये खाना। तो जरूर कमेंट्स करिए कि मुझे ये खाना आप लोगों को सीखना है कि नहीं। और डिनर में मैं सेम खाना लेती हूँ, कभी कभी ये सब्जी के जगह दूसरा सब्जी ले लेती हूँ, या तो एक कटोरी दाल ले लेती हूँ, यही बस चेंजेस रहता है। एक रोटी ज्यादा से ज्यादा खा पाती हूँ, 2 रोटी बना लेती हूँ, कभी कभी बहुत तेज भूख लगती है 2 रोटी खा लेती हूँ। तो 2 रोटी और इतना सा सब्जी, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ बहुत ज्यादा सब्जी से पेट भराने के लिए रोटी काम खाने के लिए, इससे और ज्यादा आपका बेनिफिट मिलेगा। तो डिनर एंड लंच का प्लेट मेरा सेम ही रहते हैं, सिर्फ सब्जी में थोड़ा बहुत। तो आप लोग सोचेंगे लंच के बाद डिनर जब करेंगे, डिनर हमेशा 7 बजे से पहले करने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा किसी का प्रॉब्लम है तो ज्यादा से ज्यादा 8 बजे बचने के बाद, 8-1 भी नहीं होना चाहिए, 8 बजे तक आपका डिनर खत्म कर लीजिए। सबसे अच्छा होगा 7 बजे से पहले खत्म कर लीजिए, क्योंकि डाइजेशन में काफी टाइम लग जाता है, वो टाइम अगर नहीं देंगे पेट को तब भी आपका प्रॉब्लम क्योर नहीं होगा। और शाम को अगर मुझे भूख लगता है तो मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ, मतलब आपको एक मुट्ठी में जितना आता है उतना ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। मैंने एक कटोरी ड्राई फ्रूट्स लिया, इसमें सारा टाइप का ड्राई फ्रूट्स है। इसमें आप पम्पकिन सीड, फिर सनफ्लावर सीड, बहुत इसमें प्रोटीन बहुत रहता है, आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आप जब इस डाइट में आओगे, ये सैलड खाओगे, इसमें प्रोटीन बिल्कुल नहीं है, तो प्रोटीन के लिए आपको ये थोड़ा बहुत रेगुलर बेसिस पे ड्राई फ्रूट लेना है। और आप दाल लेंगे और मूंग का स्प्राउट, मूंग चना या मूंगफली रेगुलर बेसिस पे भिगो दीजिए, और उसमें जो जब स्प्राउट निकलते हैं वो खाइए, उसमें भरपूर प्रोटीन है, बहुत अच्छा आपके हेल्थ के लिए। और दाल ले लीजिए, कोई भी किस्म का दाल, पालसेस, इसमें भरपूर प्रोटीन होता है, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। तो खाना थोड़ा बहुत चेंज करके आपको पता होना चाहिए, समझ होना चाहिए क्या लेना है क्या नहीं। मतलब इसमें तो आपका विटामिन्स का भरपूर मिल जाएगा, प्रोटीन का थोड़ा कमती दिखाई देता है, तो प्रोटीन के लिए मैंने जो जो बोला ये आप ले लीजिएगा, तो आपका हेल्थ में कोई भी कमी नहीं रहेगा, आपका वेट लॉस मिराक्युलस वेट लॉस होगा। आप तो सोच भी नहीं सकते कैसे ऐसे मतलब वेट लॉस हो सकते हैं। सबको एक धारणा है कि एक्सरसाइज करके ही वेट लॉस कर सकते हैं, नहीं, आप भर भर के खाना खाके भी वेट लॉस कर सकते हो। आप ये खाना जितना खाओगे आपका उतना वेट लॉस होगा, आप करके देखिए। जैसे मैं यही खाना खाती हूँ, लेकिन जब DIP डाइट अभी मैं कुछ दिनों से कर रही हूँ,
मैं डीआईपी डाइट जब नहीं करती हूँ, जैसे कभी कभी बाहर जाती हूँ खाने में, डीआईपी डाइट आप करेंगे तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद है, बिल्कुल नहीं खा सकते हो। फैक्ट्री से जो खाना आता है, पैकेट फूड बिल्कुल नहीं ले सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं ले सकते हो, कुछ भी नहीं, पनीर नहीं, तेल नहीं, आपका घी नहीं, मक्खन नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते हो। तो तब तो आपका वैसे भी वेट लॉस होगा, लेकिन मैं जब नॉर्मल मैं डाइट में रहती हूँ, ये सब ले लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, जैसे दूध पी लेती हूँ रात को, लेकिन मैं अभी कुछ दिनों से डीआईपी डाइट कर रही हूँ, तो ये सब मुझे छोड़ना पड़ा। मैं देखना चाहती हूँ एक्चुअली, कुछ भी मैं मेरे स्टूडेंट को या किसी को भी बोलने से पहले मैं खुद के ऊपर ट्राई करती हूँ, खुद देखती हूँ कि ये कितना काम करता है। तो अभी मैंने कुछ ही दिन, अभी मेरा 20-25 दिन हो गया है मैं डीआईपी डाइट, मेरा इतना वेट लॉस हुआ। अब सोच, वैसे भी मैं मोटी नहीं हूँ, बहुत मतलब दुबली पतली हूँ, ठीक ठाक हूँ, इसमें मेरा 25 दिन में 8 किलो वेट लॉस हुआ। तो वेट लॉस भी सबके बॉडी के हिसाब से होता है, कोई किसी का बहुत तेजी से वेट लॉस होता है, किसी का थोड़ा टाइम लगता है। मेरा 25 दिन में 8 किलो, वैसे भी मैं नॉर्मल वेट हूँ, मेरा वेट इतना कमते कमते 47 हो गया है, तो अभी थोड़ा वेट बढ़ाना चाहिए मुझे, इसलिए कोकोनट वगैरह थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ, ड्राई फ्रूट ज़्यादा ले लेती हूँ ताकि वेट बढ़े। तो आप लोगों को डीआईपी डाइट अगर फॉलो करना है, ये सब देख लीजिए, और जो दुबला होना चाहते हैं उनके लिए तो एकदम रामबाण जैसे काम करेगा। आप लोग ट्राई करके देखिए, आपका पूरा डिजीज फ्री आपका बॉडी मिलेगा, आपका पूरी तरह से आप हेल्दी रहेंगे, और ऊपर से आपका बॉडी में कोई फैट नहीं रहेगा, कोई नथिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे कॉमेंट्स करके बताइए, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।